तो आज हम लोग जो है फ्रिक्शन चैप्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि जेई मेंस 2019 में पूछा गया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आप देखेंगे दो केसेज दिए गए हैं, सेम ब्लॉक है जिसका मास 5 kg है। बस इसमें क्या है कि इसमें जो फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री नीचे लगाया गया है, इसमें जो फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री ऊपर अप्लाई किया गया है। फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों केस में 20 न्यूटन है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट भी दोनों केस में 0.2 है, सेम ब्लॉक है तो मास भी 5 kg है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया गया है 10 m/s², तो हमें बताना है। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इन केस ए एंड इन केस बी। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले केस ए को सोल्व करता हूँ। केस ए में जो 5 kg का ब्लॉक है, देखते हैं कि इस पर जो फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, है ना। ये 30 डिग्री का एंगल है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा 20 cos 30 और नीचे आएगा 20 sin 30। इसका अपना वेट आएगा 5g, ऊपर आएगा एक नॉर्मल, है ना, और पीछे आएगा फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू एन। तो पहले वर्टिकल इक्विलिब्रियम से चेक करेंगे, तो ऊपर है एन और नीचे है 5g यानी कि 50 प्लस ये 20 sin 30 यानी कि 10, तो कुल मिलाकर दे सके 60 न्यूटन का तो नॉर्मल फोर्स आ गया, है ना। इधर जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स ओब्वियसली काइनेटिक फ्रिक्शन होना चाहिए क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पर पूछा गया है, तो ये आएगा म्यू इंटू एन। म्यू है 0.2 और एन है 60 यानी कि 12 न्यूटन का जो है ये काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। एक फोर्स ये लग रहा है जो कि इसको हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट करेगा, मैंने मान लिया इधर एक्सेलरेशन है ए, तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, उधर आएगा 20 cos 30 माइनस ये म्यू एन जो कि 12 न्यूटन है इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। तो ये जो है ये आएगा 10√3 माइनस 12 इज इक्वल टू 5। कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है, है ना, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब जो है इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे आप, तो जो एक्सेलरेशन है अप्रोक्सीमेटली मैं कह सकता हूँ कि 1 m/s² आएगा, ठीक है। अब आते हैं केस बी में, ये था केस ए। उसके बाद केस बी में फिर से हम लोग वैसे ही डायग्राम बनाएंगे, 5 kg मास का ब्लॉक है, इस पर फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, है ना, फोर्स है 20 न्यूटन, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर लग रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, इधर आएगा 20 cos 30, ऊपर आएगा 20 sin 30, नीचे आएगा इसका वेट 5g, यहाँ से एक नॉर्मल आएगा n, इसको मैं n डैश कह देता हूँ, और पीछे फ्रिक्शन फोर्स आएगा म्यू एन डैश, है ना। तो पहले वर्टिकल इक्विलिब्रियम से ऊपर दो फोर्सेज लग रहे हैं, एक तो n डैश 20 sin 30 डिग्री और नीचे इसका वेट है जो कि 50 है, तो n डैश का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 50 - 10, ये 10 हो जाएगा यानी कि 40 न्यूटन। 40 न्यूटन का नॉर्मल फोर्स है, तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू एन डैश ये हो जाएगा 0.2 × 40 यानी कि 8 न्यूटन। 8 न्यूटन का काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया। अब मैं मान लेता हूँ कि इसका जो एक्सेलरेशन है इधर है बी, है ना, तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे 20 cos 30 माइनस म्यू एंड एस जो कि 8 न्यूटन आया है इज इक्वल टू मास 5 kg इंटू एक्सेलरेशन बी, है ना। तो ये फिर से 10√3 माइनस 8 इज इक्वल टू 5b, तो बी का जो वैल्यू है यहाँ से आप निकालेंगे अप्रोक्सीमेटली 1.8 m/s² आएगा, ठीक। तो एक एक्सेलरेशन आया है 1 और दूसरा आया है 1.8, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है डिफरेंस ऑफ एक्सेलरेशन, तो ऑब्वियसली बी ज़्यादा है ऐसे, तो बी माइनस ए का वैल्यू निकालूंगा, तो 1.8 - 1 इज इक्वल टू
0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्चुअली में जो हम लोग फ्रिक्शन चैप्टर में एक पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट कि जो पुलिंग है वो इजियर होता है पुशिंग से, है ना। अगर किसी एंगल पर फोर्स लगा रहे हैं हम लोग तो पुश करना मुश्किल होता है, पुल करना आसान होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेम फोर्स लगाया, यहाँ पर पुल किया जा रहा है, यहाँ पर पुश किया जा रहा है, तो पुलिंग में क्या हो रहा है कि एक्सेलरेशन ज़्यादा आ गया है ना। तो इसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा आया है और बाय 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें जो ऑप्शन है आप देखेंगे, चार ऑप्शन दिए गए हैं, करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी दिया गया है।